स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र सलिला सरयू में आस्था की लगाई डुबकी। राम की नगरी अयोध्या में रामनवमी के मुख्य पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का रेला सरयू तट की ओर पहुंच गया। सरयू के सभी घाटों पर स्नान करने के लिए उमड़ी भीड़ के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लाखों लाख की तादाद में श्रद्धालुओं ने पवित्र सलिला सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के बाद नागेश्वरनाथ, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन पूजन किए। अयोध्या संवाददाता बिस्मिल्ला खान की रिपोर्ट। स्नान करके आई है, हमारा नाम भूमि देवी है, अपने रामनवमी है, इसलिए राम के लिए स्नान करके आई है। राम जी राम की जन्मभूमि है, इसलिए आई है। स्नान करके भी है, राम की अभिषेक है, रामनवमी का मेला लगता है, झूठा लिखोता है रामनवमी का, इसलिए आई है। अच्छा, पहली बार आई है? नहीं, दूसरी बार आई हूँ। कैसा लगा आपकी? बहुत मस्त लगा, हमकी तो बहुत मोती बहुत बड़ी लग गया, बहुत अच्छा लगता है हमकी तो। अच्छा, बहुत बढ़िया लगी। इससे पहले दो बार आई थी? दो बार आई थी। तो किस तरह है? अच्छा लगता है, मुझे अंदर बहुत अच्छा लगता है। राम ही बढ़िया बैठा है, श्याम बोला राम बैठा है, अच्छे राम की झोपड़ी बढ़िया बनी हुई है, सब बढ़िया है। तीन चार दिन का गए, दो साल गए, तीन साल हम अच्छा गए, बहुत सब बढ़िया लगे भी आए। अच्छा, बहुत सब बहुत बढ़िया हुए, हमने कहा भगवान का मुझे नहीं नहीं पता है भगवान है। कितने लोग आए हैं? हम आए 12 जने। अच्छा, और ये प्रभु राम का जन्म आज ही के दिन हुआ है, और इसी पावन खुशी के अवसर पे हम लोग अयोध्या में आए हुए हैं दर्शन के लिए, और सरयू जी में स्नान किए हैं। बड़ा अच्छा लगा, मन को शांति मिली। हम और कई लोग आए हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा इस बार आके। अभी दो साल से कोई दर्शन नहीं हो पाया था कोरोना काल की वजह से। इस बार थोड़ा कोरोना खत्म हुआ है, या कह लीजिए कम हुआ है, इस वजह से इस बार हम लोग को मौका मिला, और सरकार का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। इस बार हम लोग इसी खुशी में आए हुए हैं दर्शन के लिए। अच्छा, जा रहे हैं, अभी तो स्नान किए हैं, अब निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये विनय सिंह नाम है। कहाँ से है? गोंडा के रहने वाला है। दर्शन करने के लिए स्नान किए हैं, और बहुत अच्छा लगा। शासन प्रशासन का सारी आज रामनवमी है, राम जी का जन्मदिन है आज, और इसलिए अयोध्या में हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा। बताइए, हम लोग आए हैं दर्शन किए अयोध्या का, नहाए, और उसके बाद में भी जाएंगे हनुमानगढ़ी, और सब लोग प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत पावन पर्व है, इसलिए हम लोग जाएंगे भी राम जन्मभूमि। क्या नाम है, कहाँ से आए? गोंडा से आए हम लोग, विमल सिंह नाम। वहाँ पे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, और जोनल सेक्टर में मजिस्ट्रेट में हम लोगों ने बांटा है, और मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी भी रहेंगे, और पूरी व्यवस्था रहेगी हम लोग की। और पार्किंग स्थल भी हम लोगों ने इस बार बहुत ज़्यादा चिन्हित किया है, और वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। वहाँ पे भी आरटीओ डिपार्टमेंट से तैनाती की गई है, और पूरे क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था है, पीए सिस्टम भी है, और हर एक जगह खोया पाया केंद्र हम लोगों ने बनाया है, उसमें डीओपीआरडी के लोग भी रहेंगे, और पुलिस की ने भी अपना टीम बनाई है, और उसमें 12 स्थल स्थाई स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, और सभी जगह हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है कि जो भी किसी भी स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। एम्बुलेंसेस वगैरह भी है, और शौचालय पे इस बार हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिस तरह से कोविड को लेकर के अभी कोविड का किसी को खौफ नहीं है, और जिस तरह से कोविड के केसेस, हाँ, कोविड के बाद पहला है, बड़ा मेला है, और हम लोग संभावना लग रहे हैं कि पर डे कम से कम 12 से 15 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था करी है, और पार्किंग काफ़ी बड़े पैमाने पे किया गया है। कम से कम हमारे पास लगभग 10,000 बसेज और गाड़ियों की कैपेसिटी है पार्किंग की, इस बार हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है। और जो हमारे लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी बड़े पैमाने पे मेला क्षेत्र में लगाया है, कि जिसे अनाउंसमेंट हो रहा है कि किसी को असुविधा ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ के नागरिकों से भी अनुरोध है कि बेहतर तरीके से लोगों की, जो आगंतुक हैं हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं, उनकी देखभाल करें बेहतर तरीके से, और एक अच्छा मैसेज लेके जाएँ। थैंक यू।